नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगे मोदी, भरेंगे चुनावी हुंकार। हर विधानसभा क्षेत्र में पीएम और योगी की डिमांड, तैयारियों में जुटी भाजपा। कांग्रेस का 5ों लोकसभा सीट जीतने का दावा, आगामी दिनों में प्रदेश प्रभारी करेंगे दौरा। गणेश कोदियाल ने कड़वाली गीत के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। कोटद्वार में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 2 ट्रकों की हुई भिड़ंत, ट्रकों के बीच में दबे 3 लोग, दुर्घटना में सभी की हुई मौके पर मौत। सल्ट के बोरतला में फिर दिखे 2 गुलदार, बीते दिनों 2 दिन 2 ग्रामीणों पर कर दिया था हमला, अब वन विभाग ने लगाया पिंजरा, लोगों ने ली राहत की सांस। और पहाड़ों में एक बार फिर बदला मौसम, ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। भले ही उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीट के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी की हो, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। इस बात की जानकारी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से आग्रह किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा 5ों लोकसभा सीटों पर हो। माना जा रहा है कि 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर पीएम जनसभाएं कर सकते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिमांड है, हमने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है कि सभी लोकसभाओं में, प्रत्येक लोकसभा में एक जनसभा प्रधानमंत्री जी की हो जाए। उसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी यहाँ जनसभाओं की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन नेताओं की ज्यादा डिमांड उत्तराखंड में है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि उत्तराखंड की 5ों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो वहीं हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त टोली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व प्रसिद्ध नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साथ ही कहा कि विपक्ष के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं थे, उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को मैदान में उतारा है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी तंज कसते हुए कहा कि क्या हरीश रावत अपने पुत्र वीरेंद्र रावत को अभी राजनीति की ट्रेनिंग दे रहे हैं? अगर हरिद्वार से चुनाव जीतना होता तो हरीश रावत स्वयं मैदान पर होते। उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनौती दे सके। हमारे 5ों के 5ों प्रत्याशी उत्तराखंड में पिछली बार से रिकॉर्ड वोटों से इस समय जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में अगर आप विपक्ष का हाल देखें तो पहले एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक दलों ने खड़ा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है। अगर जीतना होता तो उन्हें स्वयं लड़ते, वो केवल उनको थोड़ा खेलना कि किस तरह से चुनाव में किस तरह के क्या हो सकता है, अभी वो रिहर्सल कर रहे हैं, अभी वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल रिहर्सल कर। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। शनिवार को लोहाघाट के बीजेपी चुनाव कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष चंपावत निर्मल मेहरा की अध्यक्षता में लोहाघाट विधानसभा के सभी 6 मंडलों के अध्यक्षों और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष, भाजपा विधानसभा संयोजक पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल और प्रभारी रामदत्त जोशी ने लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की और सभी मंडल अध्यक्षों और बीजेपी पदाधिकारियों को घर घर जाकर जनता को भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा के पक्ष में प्रचार करने के निर्देश दिए गए।
इसे लोकसभा 2024 की दृष्टि से एक जो हमारी विधानसभा की कोर कमेटी बनी है और इस विधानसभा की जो प्रबंध समिति जो पूरे चुनाव का प्रबंधन करेगी और जो पूरे चुनाव में कैसे अपने चुनाव को हम उठा सकें उसके लिए जो चिंता करेगी उसकी बैठक थी। तो इस बैठक में सभी कोर कमेटी और प्रबंध समिति के लोग आए और इस बैठक में विशेषकर जल्दी से जल्दी हम प्रचार टोलियां निकालना शुरू कर रहे हैं। एक कार्यक्रम जो है कि पूरे विधानसभा के 6 मंडलों के कार्यक्रम और कोर कमेटी की बैठक थी, उसका आयोजन किया और सभी लोग यहां पर आज उपस्थित थे। और जो आज से हमने अपने चुनाव प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी को मंडलों को निर्देश किया है कि अपने अपने समस्त 1 तारीख से जिस दिन नाम वापसी होती है और कार्यालय की परमिशन लेके सभी कार्यालय खुल जाए विधिवत और उसके बाद जो भी सामग्री आई है वो वितरण हो जाए, हर घर में झंडा वगैरह वगैरह लग जाए और हर गांव में जाके जनसंपर्क अभियान चलाए, उसकी शुरुआत के लिए आज का मीटिंग का आयोजन किया गया था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कांग्रेस अपने बूथ स्तर को मजबूत कर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को जीतने जा रही है। साथ ही कहा कि आगामी चंद दिनों बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा होना है, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपना दौरा करेगी, जिससे कि चुनाव अभियान में और तेजी आएगी। प्रभारी जी सारे लोगों से बात भी करेंगी और कोशिश उनकी ये होगी कि मंडल स्तर तक उनका दौरा हो, 5 के 5 लोकसभा क्षेत्रों में उनका दौरा होगा और वो उनका दौरा अभी बन रहा है, जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा हम उसको सार्वजनिक करेंगे। अभी हमने लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे कहा है कि वो कहाँ कहाँ पर प्रभारी जी का दौरा कराना चाहते हैं, किस क्षेत्र में चाहते हैं, किस में ज़्यादा आवश्यकता है और जिला अध्यक्षों से हमने कहा कि वो एक रोड मैप बना के हमको दें, एक कार्यक्रम बना के हमको दें, हम उसी में उनसे वार्तालाप करेंगे। रामनगर विधानसभा के मालदन क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे पौड़ी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि मालदन क्षेत्र की स्थापना हमारे पूजनीय दिवंगत नेता खुशीराम ने की, गरीब लोगों को थोड़े थोड़े पट्टे देकर मालदन क्षेत्र में बसाया गया और लोगों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर हटाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस के वो दिन अच्छी तरह से याद है, कांग्रेस लोगों को बसाने का प्रतीक है, इसीलिए मालदन क्षेत्र के लोग कांग्रेस को एकमुश्त होकर जिताने का काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के खिलाफ सुपरहिट गढ़वाली गीत के जरिए अटैक किया। रुड़की के एक निजी होटल में एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान सभी मेंबर्स को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई और इस संस्था के बारे में विभिन्न जानकारी भी दी गई। ये रुड़की में पहली राज्य प्रदेश स्तरीय बैठक थी, इसके बाद और भी बैठकें करवाने की बात कही गई तो वहीं संगठन को और मजबूत बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार ने संबोधित किया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार भारद्वाज और गढ़वाल अध्यक्ष नवाब अली ने भी अपने बातें रखी। जो हमारा सम्मान हुआ है उसके विषय में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कई अन्य प्रदेशों में भी गया, स्वागत तो हुआ हमारा लेकिन इस प्रकार से स्वागत, पहला स्वागत ऐसा हुआ है कि दिल से खुशी हो रही है। और हमारा जो संगठन है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया ये उत्तराखंड में भी अब जोर पकड़ रहा है और गरीबी उन्मूलन और नशा मुक्त उत्तराखंड मेन उद्देश्य है हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया का। प्रदेश अध्यक्ष भारद्वाज जी इसमें संलग्न हैं, उन्होंने कई कार्य किए हैं सामाजिक कार्य जिनमें उनका काफ़ी योगदान रहा है और मुझे आशा है कि वो आगे भी सामाजिक योगदान में हमारा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री है उन तक ये संदेश हो कि ये मुहिम जो उन्होंने चलाई है कि हमारा भ्रष्टाचार बहुत पनप चुका है, फैलता जा रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और इसको एक दिशा
पकड़ी जाए कि हम किस तरीके से पहले अपने अंदर से भ्रष्टाचार मिटाएं, फिर हम आगे आगे जहां है उसको जानकारी दें। हमारा काम सिर्फ खुफिया रूप से या जहां भ्रष्टाचार है उसकी जान पहचान ऊपर तक दी जाए और जिससे कि वे उसमें इन्वॉल्व आदमियों को वे पकड़ें, वे उसे सुधारें। हमारी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं, वो गरीब गांव तक नहीं पहुंच रही, गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और बहुत गरीब लोग ऐसे रह जाते हैं जो वंचित रह जाते हैं उनसे। उसका काम करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस कदम को उठाए, पहल करे और जागरूक पैदा करे। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के द्वारा अपनी पदयात्रा जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए रुड़की, मंगलौर और झबरेड़ा के बाद भगवानपुर विधानसभा के इमली रोड रविदास मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए ब्लॉक भगवानपुर तक पैदल यात्रा और व्यापारियों से जनसंपर्क किया गया। इस दौरान व्यापारियों के द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार का जमकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापारियों के द्वारा उमेश कुमार पर फूलों की बारिश और उपहार देकर सम्मानित किया। उमेश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से उनकी पदयात्राओं में व्यापारियों से जनसंपर्क के दौरान खुलकर उनके साथ में आ रहे हैं, इससे लगता है कि हरिद्वार बदलाव की ओर है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने यमुनोत्री धाम सहित यात्रा पड़ाव पर यात्रा प्रबंधन, तीर्थयात्रियों के सुविधा को लेकर स्वीकृत कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने जानकी चट्टी में प्रस्तावित ट्रेवलर्स रेस्टिंग फैसिलिटी और खरसाली में यमुनोत्री रोपवे निर्माण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जल्दी ही जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों को तेजी से कार्यवाही करने और राजमार्ग की भूस्खलन प्रभावित और संकरे हिस्सों में वाहनों की आवाजाही को सुरक्षित सुचारू बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। तो वहीं चारधाम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी के साथ यमुनोत्री मार्ग और प्रमुख यात्रा पड़ावों का निरीक्षण किया। जी नहीं, हम लोग पिछले 2-2.5 महीने से इसमें लगे हैं। इस बार हम लोगों ने यमुनोत्री में जो हमारा पैदल मार्ग है और जहाँ पर टूट फूट हुई थी, रेलिंग जहाँ लगी थी, उसके लिए पैसा सेंक्शन किया है। यमुनोत्री टेंपल में एक हाई मास्ट लाइट के लिए हम लोगों ने पैसा सेंक्शन किया है। उसके बाद जो यमुनोत्री में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उसके रिपेयर के लिए पैसा सेंक्शन किया है और नीचे जो हमारी पार्किंग है, पार्किंग पॉइंट पर भी एक हाई मास्ट लाइट के लिए हमने पैसा सेंक्शन किया है और एक हमारा वहाँ उसी पॉइंट पर हम लोग ने एक प्रपोजल भेजा है शासन को, वो भी सेंक्शन होने वाला है, जिसमें हमारा लगभग यात्री यहाँ पर उतरेंगे, वहाँ रेस्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ टॉयलेट बनेंगी, वेटिंग रूम होगा और उसके बाद उनको टॉयलेट की सब व्यवस्था होगी। 3.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हम लोगों ने भेज रखा है और जल्दी वो सेंक्शन होने वाला है। इस साल जैसे 10 मई से यात्रा चालू हो रही है और हमारा जो पूरा उद्देश्य यही है कि जो भी तीर्थयात्री देश विदेश से दूर से आ रहा है उसको किसी भी तरीके से यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए। तो जो पिछले साल जो भी कमी रह गई, जो चुनौती हमने मिली थी, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा आपने बोला, क्राउड बहुत ज़्यादा आ गई थी इस बार, तो हम इस बार क्राउड कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे। जैसे यमुनोत्री की बात करें तो डंडी कंडी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको एक सीमित संख्या में एक दिन में उनको एक सबसे बात करके एक बार ऐसा कुछ तरीका निकालेंगे जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो रास्ते पर और सबको अच्छे से दर्शन हो सके। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए जाने को लेकर लगातार विभिन्न तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए रामनगर कोतवाली अंतर्गत लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामनगर कोतवाली के अंतर्गत कल 673 शस्त्रधारी हैं, जिन्होंने बताया कि अभी तक 313 लोगों द्वारा अपने शस्त्र रामनगर कोतवाली के साथ ही नगर में स्थित आर्म्स की दुकानों में शस्त्र जमा करवाने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों द्वारा अभी भी अपने शस्त्र जमा नहीं किए गए हैं वो शीघ्र ही इन्हें जमा कर दें, अन्यथा इनके शस्त्र
निरस्त्रीकरण की कार्यवाही को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। देखिए, लोकसभा इलेक्शन के तहत हमारे द्वारा लगातार विभिन्न मदों में कार्रवाई की जा रही है और रामनगर थाना क्षेत्र में कुल 673 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं और सभी से अनुरोध है कि वो शीघ्र अपना शस्त्र थाने में या किसी दुकान पर जमा करें और उसकी रसीद थाने को दे दें। अभी तक हमारे द्वारा अभियान के तहत 313 लोगों को शस्त्र जमा किए जा चुके हैं और शीघ्र ही शस्त्र जमा कराने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, जो शस्त्र धारक है अगर वो जमा नहीं करते हैं तो आर्म्स एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर, 116 में कितनी कार्रवाई की गई है अभी तक? हमारे द्वारा कुल 34 मामलों में 270 लोगों के विरुद्ध 116 की कार्रवाई की गई है, जिनमें 56 लोगों को हमारे द्वारा बाउंड डाउन भी किया गया है और इस प्रक्रिया के तहत हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में 116 की कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन विभाग इन दिनों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में मतदान के प्रति वृहद जागरूकता अभियान चला रहा है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने कहा कि जो नए मतदाता इस साल वोटर लिस्ट से जुड़े हैं, खासकर उनके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य जगहों पर भी आयोजित कर ऐसे तमाम नए वोटरों को मतदान के प्रति शपथ भी दिलवाई जा रही है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मतदान प्रतिशत कम रहता है, ऐसे में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर अभियान जारी है। ने बताया कि जो नए वोटर्स हैं हमारे 18 से 19 साल के हैं, जो अभी अभी नई इंक्लूड हुए हैं वोटर लिस्ट में, उनके लिए हम लोग स्पेशली अभियान चला रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, उनसे शपथ दिलवा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मेनली हमारा जो अर्बन एरिया है उसमें हमारी परसेंटेज कम रहती है कंपैरेटिवली, तो हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस बार आप कृपया अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करें और इस जो पूरी जो हमारा अभियान है उसमें हमारे साथ खड़े रहें। इसके अलावा हम लोग जो PWD वोटर्स हैं हमारे, जो 80 प्लस वोटर्स हैं, इनमें से कुछ लोग आ भी नहीं पाते हैं पोलिंग स्टेशंस में। तो कहते हैं अगर किसी क्षेत्र का विकास करना हो तो उसका पहला पड़ाव उस क्षेत्र में सड़क पहुंचाना होता है, लेकिन उत्तराखंड में आज भी ऐसे गांव हैं जो सड़क से वंचित हैं। सड़क नहीं होने से वो सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और ऐसा ही एक ग्राम सभा अल्मोड़ा के धौला देवी विकास खंड में है, जिसमें चामी, अगताना, कुनी, खान, कोनियाल आदि गांव हैं। यहां लगभग 1200 की आबादी है, इसके बावजूद यहां के लोगों का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यहां के लोग लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। यहां के लोगों ने गांव तक सड़क बनाने के लिए सैकड़ों बार सरकारी ऑफिस और स्थानीय नेताओं के चक्कर लगाए, लेकिन आज तक इनकी नहीं सुनी गई, जिसके बाद चामी ग्राम सभा के लोगों ने खुद निर्णय लिया और सड़क बनाने की ठानी। आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल निशुल्क इलाज के लिए आ रहे हैं, मरीजों से जांच के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूल रहे हैं। किसी मरीज से पैथोलॉजी तो किसी से रेडियोलॉजी जांच के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रदेश में 100 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो वसूली करने वाले अस्पतालों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्हें माता की चिकित्सा जो सूचीबद्ध प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनके द्वारा धनराशि लिए जाने की शिकायत ऐसे सुनने में आता है, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि जिस किसी के साथ भी ऐसा अगर वाक्य होता है तो वो लिखित में शिकायत यहाँ पर प्रेषित कर सकता है और जो स्कीम के अंतर्गत प्रावधान है अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर अस्पताल में
पेनल्टी लगाई जाती है और जिस व्यक्ति का ने से पैसा लिया होता है उसको वापस किए जाने का भी पूरा इंतजाम योजना के अंतर्गत है। सर कितने अस्पतालों को नोटिस अपने ये हमारे में 153 अस्पताल प्राइवेट है, सभी को हमने एक जनरल लेटर दे दिया। क्योंकि कोटद्वार के बीईएल रोड पर दो ट्रकों के बीच में आ जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह तकरीबन 6:30 बजे की है जब एक तेज रफ्तार डंपर कौड़िया चेक पोस्ट की तरफ से बीईएल रोड होता हुआ सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था। इसी बीच सड़क किनारे खड़े खराब हुए ट्रक को दूसरे ट्रक से खींचने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पीछे से आए डंपर ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी जिससे 3 लोग दोनों ट्रक के बीच में कुचल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीएल रोड पर एक ट्रक खराब था तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी और आगे वाला जो ट्रक था वो उसे टो करने के लिए आगे वाले ट्रक से बांध रहे थे। बीच में 4 लोग थे, उनमें से जो एक था वो थोड़ा किनारे पर था। वो जो 3 लोग थे पीछे से ट्रक की वजह से जो कि डंपर था वो बीच में दोनों ट्रक के दब गए और उसमें लगभग 3 डेथ हुई है और 3 की ऑन द स्पॉट डेथ बताई जा रही है। से रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करवाने आया और अपनी बाइक को रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी करके गया था। जब वो वापस आया तो उसकी बाइक मौके से लापता मिली। इस मामले में उसने पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात बाइक चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। घटना के संबंध में शनिवार को जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में गठित पुलिस टीम द्वारा आसिफ और फैजान को काशीपुर रोड के पास चोरी की गई बाइक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।